लखनऊ में ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां जोर पर जारी हैं। लखनऊ के चौक इलाके से इस मौके पर जुलूस निकाला जाएगा, जिसको लेकर झंडे और बैनर की बिक्री शुरू हो गई है। आशिकान नबी जोरों शोरों से ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां कर रहे हैं। तो तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। ईद मिलादुन्नबी को लेकर, अराफात मनाने को लेकर अलग अलग जगहों पर खासा तैयारियां की जा रही हैं। झंडों की बिक्री यहां पर शुरू हो चुकी है और आशिकान रसूल यहां पर बढ़ चढ़कर खरीदारी करते हुए भी नजर आ रहे हैं और झंडे और बैनर की बिक्री शुरू हो गई है। आशिकान नबी जोरों शोरों से ईद मिलादुन्नबी की तैयारियों में लग चुके हैं। बारहवीं रबी अव्वल बराफात की तैयारियां जोरों शोरों पे हैं। 16 तारीख को बारहवीं रबी अव्वल बराफात का जुलूस लखनऊ में कई जगह निकाला जाएगा। लखनऊ के झंडे वाले पार से ये जुलूस निकालकर ईदगाह इमाम तक जाएगा। तमाम तरह के झंडे जो जुलूस में लोग लेके निकलते हैं उसको लेकर तैयारियां शोरों पे हैं। लोग झंडे खरीद रहे हैं। लखनऊ का ये चौक इलाका है, नखास कहा जाता है। यहाँ पर लोग बराफात की तैयारी को लेकर टोपी, झंडे, बैनर जो जुलूस में लेकर निकलते हैं उसको लेकर खरीद रहे हैं। मस्जिदों में भी इसे तैयारियां शुरू हो गई हैं। इमाम जो हैं वो लगातार बराफात जुलूस को लेकर जो जलसे होते हैं उसकी तैयारियां जोर शोरों पे हैं। झंडा जो लोग बेच बात करते हैं, क्या नाम है आपका? साकिर अली। बराफात के जुलूस को लेकर तैयारियां हो रही हैं, झंडे जो बेच रहे हैं, कितने रेट पे क्या झंडे बेच रहे हैं? अरे बहुत बिकता झंडा, माशाल्लाह बहुत बिकता जी। हाँ, झंडे के साथ क्या क्या और बेच रहे हैं आप? बस झंडे ही हैं हमारे पास, ये टोपियाँ हैं, बैनर भी हैं, बस यही बाबा है और कोई। अभी तक कितने झंडे बैनर बिक गए आपके? अरे कम से कम बिक गए 250-300। परसों बराफात है, उसको लेकर तैयारियां क्या और चल रही? तैयारियां तो बहुत चल रही सर, झंडे की बस, इसके अलावा और कोई चल। तो लखनऊ में जो बराफात जुलूस होता है उसमें झंडे उठाए जाते हैं और यही झंडे जो बड़े बड़े दिख रहे हैं इन्हीं झंडों के साथ जुलूस निकाला जाता है। जो लखनऊ के बड़ा जुलूस जो लखनऊ के अहमदाबाद से निकलेगा और ईदगाह तक पहुंचेगा, जिसको लेकर तैयारियां लखनऊ में शुरू हो चुकी हैं और 16 तारीख को सुबह 9 बजे से लखनऊ के अलग अलग जगहों में जुलूस निकाला जाएगा। अतीक अहमद, सलाम टीवी।